नीतीश कुमार जी के लिए दरवाजा तो अभी बंद है, खुल कहाँ रहा है, लेकिन अगर वह प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रमों से संतुष्ट होकर के हमारे पास आ रहे हैं तो आवे सदस्यता, उनके सदस्यता ग्रहण करें आवे। कर्पूरी ठाकुर की 20वीं जयंती आज मनाई जा रही है और आपको बताते चले कि एक तरफ जहां बिहार की राजनीतिक गलियारों में खूब चर्चा चल रही है कि जल्दी ही बिहार में सत्ता का परिवर्तन हो जा रहा है, नीतीश कुमार कल ही राजभवन पहुंचे थे, राज्यपाल महोदय से लगभग 45 मिनट की मुलाकात हुई। हमारे साथ बात करने के लिए इन्हीं मुद्दों पर लेकर के बीजेपी के विधायक हैं जयप्रकाश यादव। हम सीधे सीधे बात करते हैं कि जिस तरीके से बिहार में जो चर्चा चले, क्या नीतीश कुमार फिर से जो है NDA के दामन थामने जा रहे हैं? नीतीश कुमार के लिए क्या दरवाजे खुल गए? कर्पूरी ठाकुर को जिस तरीके से उन्होंने बधाई भी दिया, जो सपना था पूरा हो गया लगातार हमारी मांग। देखिए, नीतीश कुमार जी बधाई दिए हैं या स्वागत है उनका, लेकिन हमारी सरकार प्रधानमंत्री माननीय मोदी नरेंद्र मोदी जी की सरकार हमेशा दलितों पिछड़ों को सम्मान देने का काम करती है और आप देख रहे हैं कि कर्पूरी ठाकुर जी अति पिछड़े परिवार से आते हैं, अति पिछड़ों की लड़ाई, दलितों की लड़ाई उस शुरू से किए और उसी के रूप में वे जाने जाते थे। जो सम्मान उन्हें आज वर्षों पूर्व मिलना चाहिए था, NDA सरकार के द्वारा मिलना चाहिए था, पूर्ववर्ती सरकारों द्वारा मिलना चाहिए था, वह नहीं मिला और वह सम्मान आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। दलितों को सम्मान देने वाले हैं, अति पिछड़ों को, सबों को सम्मान हमारे प्रधानमंत्री जी देते हैं, यह उन इसीलिए हम उनका स्वागत करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं और हार्दिक बधाई और शुभकामना देते हैं, प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने बिहार को गौरवान्वित किया है। नहीं लगता आपको कि जिस तरीके से बिहार में आरक्षण का दायरा बढ़ाया, भारत रत्न, मैं तो कहा कि भारत रत्न बहुत पूर्व ही मिलना चाहिए था, लेकिन जो आज मना रहे हैं, हम लोगों को सड़क पर उतार दिए हैं मनाने के लिए, प्रधानमंत्री जी ने ही इनको सम्मान दिया है और आज हमें कहीं जगह नहीं मिला, हम सड़क पर मैदान में उतरे हैं उनके सम्मान का जश्न मनाने के लिए। चुनावी एजेंडा है? चुनावी एजेंडा नहीं है, यह सतत भारतीय जनता पार्टी के सतत प्रयास है यह, और सतत उन्होंने समाज के अंतिम पायदान के लोगों के लिए किया है, जो आज उसी क्रम में आज हम भी सम्मानित किए हैं प्रधानमंत्री जी ने। आरक्षण का दायरा बढ़ाया गया, आरक्षण का दायरा जो बढ़ाया गया तो कहीं ना कहीं आप लोग भी, तो कर्पूरी ठाकुर की उनकी लगातार मांग थी, तो उस हिसाब से माना जाए तो नीतीश कुमार के लिए अब तो दरवाजे इधर आ खुल गए हैं। नीतीश कुमार जी के लिए दरवाजा तो अभी बंद है, खुल कहाँ रहा है, लेकिन अगर वह प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रमों से संतुष्ट होकर के हमारे पास आ रहे हैं तो आवे सदस्यता, उनके सदस्यता ग्रहण करें, आवे सदस्यता ग्रहण करें, सबका स्वागत है, भारतीय जनता पार्टी में सदस्यता ग्रहण करने के लिए सबका स्वागत है, सबका दरवाजा खुला हुआ। 24 में कितने सीट का बंटवारा, आने के बाद विचार किया जाएगा सीट का बंटवारा, बंटवारा कहाँ, तब तो सदस्य रहेंगे ना, सीट मिलेगा। बिहार में कुछ बिहार में जल्दी कुछ परिवर्तन हो जाए? अब देखिए, परिवर्तन तो दिन प्रतिदिन प्रगति कर ही रहा है बिहार, परिवर्तन हो ही रहा है, पहले का बिहार और अब के बिहार में काफ़ी अंतर है, तो इस परिवर्तन में निश्चित नया नया परिवर्तन होगा, देखिए आने वाला समय देखिए। कल का मुलाकात को किस तरीके से देखते हैं? राजभवन गए थे नीतीश कुमार, किस तरीके से देखते हैं? हम तो दैनिक कार्यक्रम के, रोजमर्रे के कार्यक्रम में जाते आते रहते हैं, मैं तो इसे साधारण वे में लेता हूँ। तो आपने सुना किस तरीके से साफ साफ बीजेपी के विधायक जो है जयप्रकाश यादव ने साफ साफ कह दिया कि अगर नीतीश कुमार आना चाहते हैं तो आए, उनका स्वागत है, लेकिन आकर के उनको बीजेपी की सदस्यता लेनी होगी। जिस तरीके से लगातार एक तरफ जो जब से अमित शाह ने दावा किया है, कहा है कि नीतीश कुमार और जदयू के लिए जो है दरवाजे हमेशा खुले हैं, तब से लगातार जो है बिहार की राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा का विषय बना हुआ है कि क्या जो है नीतीश कुमार फिर से NDA का हिस्सा बनेंगे, या लालू प्रसाद ने जब उनके आवास पर जाकर के मुलाकात की तो कहीं ना कहीं राजनीतिक जो हलचल है तेज तब से बनी हुई है। लगातार कहा जा रहा है कि सब कुछ, यानी
गठबंधन की सरकार में सब कुछ सही नहीं चल रहा है, जल्दी ही बिहार में सत्ता परिवर्तन होने जा रहा है। अब देखने वाली बात है कि क्या NDA में आते हैं तो किस तरीके से, यानी फिर से वो मुख्यमंत्री बने रहते हैं, NDA किस तरीके से स्वागत करती है। लेकिन कहीं ना कहीं बिहार की राजनीति में एक बड़ा खामोशी छाया हुआ है। अब BJP के विधायक ने भी तमाम बातों को कहा, लेकिन जिस तरीके से जो कर्पूरी ठाकुर को एक दिन पहले सम्मान दिया गया यानी भारत रत्न की घोषणा की गई, तो कहीं ना कहीं एक तरीके से एक बल देता है। लगातार नीतीश कुमार जाति गणना करा करके इंडिया गठबंधन को आगे बढ़ा रहे थे, वहीं BJP ने कर्पूरी ठाकुर या लगातार जो नीतीश कुमार कर्पूरी ठाकुर को लेकर के मांग कर रहे थे कहीं ना कहीं एक दिन पहले दिया, तो क्या अब नीतीश कुमार ने भी बधाई दिया है, कहा है कि जो मांग रहे थे वो मिल गया है, क्या नीतीश कुमार फिर से एक बार NDA का हिस्सा बनने जा रहे हैं? आने वाले समय में सब कुछ देखने को मिलेगा।